गौतम बुद्ध नगर जिले में मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है, जहां अभियान के तहत कोतवाली फेज 2 पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है, जो ऐप के माध्यम से ऑनलाइन गांजे सप्लाई नामी ई कॉमर्स कंपनी के नाम से बने लिफाफे में करता था। साथ ही उसके कब्जे से 1 किलो गांजा ई कॉमर्स कंपनी लिफाफा और प्लास्टिक के पन्नी सहित ऑनलाइन गांजे की डिलीवरी में प्रयुक्त एक मोबाइल और मोटरसाइकिल बरामद की गई है। आपको बता दें कि पुलिस को उसके साथी की तलाश है, जो ऑनलाइन गांजे का ऑर्डर लेने में मदद करता था। वहीं पुलिस की गिरफ्त खड़े आरोपी का नाम बांके बिहारी दीक्षित बताया जा रहा है। साथ ही एडिशनल डीसीपी साध मियां ने बताया कि पूछताछ के दौरान आरोपी ने बताया है कि वह अपने साथी के साथ मिलकर ऐप के माध्यम से ऑनलाइन गांजे की तस्करी करता था। उसका साथी मोबाइल पर ऑनलाइन गांजे का ऑर्डर लेता था, फिर ग्राहक की लोकेशन लेकर उसे गांजे की सप्लाई की जाती है। वहीं पुलिस से बचने के लिए वह डिलीवरी पैकेट में भरकर गांजे को बेचते थे। वह नामी ई कॉमर्स कंपनी के नाम से लिफाफे बनाते थे। कंपनी का नाम होने की वजह से पुलिस भी आरोपियों पर शक नहीं करती थी, इससे वह आसानी से ग्राहक तक डिलीवरी करने पहुंच जाते थे। थाना फेज 2 में एक अभियुक्त बांके बिहारी दीक्षित गिरफ्तार हुआ है और उसके कब्जे से अवैध गांजा भी बरामद हुआ है। बांके बिहारी दीक्षित के जो क्लाइंट्स हैं वो उनको एक ऐप के माध्यम से कॉन्टैक्ट करते थे और पैसे की डिलीवरी ऑनलाइन करते थे। इसके बाद ऑर्डर रिसीव होने के बाद बांके बिहारी दीक्षित अमेजोन फ्लिपकार्ट आदि पैकेजिंग में अब उस गांजे को अपने क्लाइंट्स तक डिलीवर करता था। इस संबंध में अभियुक्त पंजीकृत हो चुका है, अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है।